अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपका मेज़बान मकीन अख्तर और आप देख रहे हैं जी DMH न्यूज़ फौरी तौर पर। तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान का काफ़ी मुल्कों में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन किया। अभी रिसेंटली थाईलैंड में एक मुकाबला जीत के आए हैं जी मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड 2022 और मिस्टर पाकिस्तान ग्लोबल 2022। ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आते रहते हैं सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान का नाम रोशन इन्होंने किया है। जनाब सैयद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया और आगे मजीद ये अपना काम कैसे कर रहे हैं। तो सैयद शाह, यंग और बहुत ही कम एज में 24 ईयर्स की एज में आपने इतने सारे फोर टाइटल आपने जीते, तो माशाल्लाह आप और लड़कियों के लिए भी एक बहुत सेक्सी बॉय हैं, वो तो हमने देख ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स हुज वाचिंग। फर्स्टली आई विल करेक्ट द टाइटल व्हिच आई वॉन, व्हिच इज मिस्टर नेशनल यूनिवर्स 2022। आई नो इट्स अ लिटिल हार्ड वन, आपके लिए मुश्किल होता है बोलना बिकॉज इट मुश्किल है टाइटल। एंड पाकिस्तान हैज़ वॉन 4 टाइटल्स, ठीक है। पहली दफ़ा पाकिस्तान क्वालिफाई किया टॉप 10 के अंदर, इनफैक्ट पहली दफ़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल पैजेंट्स में क्वालिफाई किया। इससे पहले पाकिस्तान कभी भी इंटरनेशनल मीडिया पे नज़र नहीं आया, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में नज़र नहीं आया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी नॉट जस्ट वॉन वन बट इनफैक्ट वी वॉन 4 टाइटल्स। एंड आई विल टेल यू लिटिल बिट अबाउट द टाइटल्स। वी वॉन बेस्ट इन स्विम वेयर, वो आपका जज होता है आपकी बॉडी के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह विद द एफर्ट ऑफ 4 ईयर्स वी वॉन द बेस्ट स्विम वेयर, मतलब 25 ममालिक से जो लोग आए थे उनसे सबसे बेहतर बॉडी जो थी वो मिस्टर पाकिस्तान की थी। उसके बाद आपने जो टाइटल विन किया है वो है मिस्टर पॉपुलर। 25 ममालिक में से सबसे ज़्यादा जिनको जजेस ने, मीडिया ने और क्राउड ने सपोर्ट किया है वो है मिस्टर पाकिस्तान। उसके अलावा मिस्टर सुपनबुरी, सुपनबुरी इज लाइक द बिगेस्ट सिटी ओवर देयर इन थाईलैंड, उसके अंदर से विद 98% वोट्स पाकिस्तान हैज वॉन द टाइटल। उसके अलावा पाकिस्तान टॉप 10 के अंदर आया। सो दीज आर द टाइटल्स, नाउ यू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू वांट। जैसा कि हमने देखा कि इतने ज़्यादा मुल्क कंट्रीज के जो लड़के थे बहुत खूबसूरत लड़के और कमाल की बोली वाले लड़के वहाँ पे मौजूद थे, तो पाकिस्तान का ही नाम वहाँ पे आया और आपने सबसे पहले जीता जो है जी स्विम वियर, पाकिस्तान का नाम पहली मरतबा आपने एक इंटरनेशनल सतह पर आपने रोशन किया। तो सवाल ये बनता है कि पाकिस्तानी जो बॉयज़ हैं, हमारा कुछ कल्चर ऐसा है कि हम जो हैं अपनी जो है बोगी वो शो नहीं करवाना चाहते, तो आप ने कैसे ये कर लिया? हमें सुनने में यही आया कि आपको पहले काफ़ी बुरा लगा था, अच्छा नहीं लगा था, फिर आपने कैसे इसको अपने नाम किया? वेल, पहले मैं कंफर्टेबल नहीं था शर्ट उतारने में, बट जब आप कंपटीशन में इंटरनेशनली हिस्सा लेते हो, आप अगर किसी भी पार्ट से बैकआउट करते हो तो वो आप वहीं पर ही शो हार जाते हो। तो ये शो की रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर मुझे अपनी शर्ट उतारनी पड़ी और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना पड़ा। नॉट द बेस्ट थिंग, खाली शर्ट नहीं उतारनी पड़ी, सारे कपड़े उतारने पड़े। वेल, ताड़ी नज़र थले ही है ना। वेल वेल यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सारे कपड़े उतारने पड़े, बट फॉर हु? फॉर हु? पाकिस्तान। मैं अपने लिए नहीं उतारे, पाकिस्तान के लिए उतारे। वेल आपने इसलिए कपड़े उतारे ताकि पाकिस्तान अपने कपड़े पहन के रखे, पाकिस्तान अपने कपड़े पहन के रखे, बिल्कुल। आज अगर मैं वो ना करता, पाकिस्तान 4 टाइटल ना जीतता। बेस्ट इन स्विम वेयर, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते। अब बहुत सारी हमारी यूथ होगी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपने कपड़े उतारे, ये अब बहुत सारी यूथ है वो बहुत सारे डिस्करेज होती है यार कि हमारी बॉडी यहीं से, यहाँ से ख़राब है, वहाँ से ख़राब है। वेल इनडीड हो सकती है, बट अगर आपने उसके लिए काम किया हुआ, अगर आपने उसके लिए 4 साल की मेहनत की हुई है, तो उसी जितने भी कहोगे सी ला लेंगे कपड़े। अच्छा, आपने जो आपकी एजुकेशन हिस्ट्री है वो आप जरा थोड़ा सा बताएं, आपका जो स्कूल लेवल था, फिर यूनिवर्सिटी लेवल, आपने कहाँ तक आपकी जो है क्वालिफिकेशन हासिल की? जी, तो बेसिकली मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैं बॉर्न पाकिस्तान में हूँ, बट जो मेरी हाई स्कूल एजुकेशन है वो हांगकॉन्ग में हुई है। मेरी मास्टर्स और जो बैचलर्स एजुकेशन है वो मेरी हुई है UK के अंदर, एंड करंटली आई एम बेस्ड इन द UK, और दिस इज़ माई बैकग्राउंड हिस्ट्री। और करेंटली आई एम अ मार्केटिंग मैनेजर फॉर अ बिग फर्म, और उसके साथ साथ मैं अपना बिजनेस भी रन करता हूँ। और उसके साथ साथ मॉडलिंग और ये तो मेरी शुरू से स्टार्ट से एक ड्रीम थी जो मैंने हासिल करना था। आप शायद इस इंटरव्यू से पहले मुझे जानते भी ना हो, बट आपकी कामयाबी आपका नाम रोशन करती है।
अगर आज मैं ये चार टाइटल ना जीतता तो मैंने मुंह भी नहीं लाना सी। अच्छा तो आप हमें ये बताइएगा, आपको ये पता कैसे चला कि मिस्टर पाकिस्तान मैं बनना चाहूँगा, या आपने कभी सोचा होगा, आपने कैसे ये मतलब कि आपने कुछ सोचा भी नहीं होगा कि आप मैं ऐसी टाइटल जीतूँगा, आपका एक ड्रीम तो था वैसे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? वेल, ये सिर्फ ड्रीम नहीं है, ये हार्डवर्क है, ये आप पहले से फोकस करते हैं। आप ये सिर्फ एक दिन ओवरनाइट सो के उठ के नहीं जीत सकते, आपको सालों की एफर्ट चाहिए होती है इसके अंदर। वो सालों की एफर्ट के बाद जाके आप कहीं अपना नाम रोशन कर सकते हो और कंट्री का, और जब आपने अपनी कंट्री का फ्लैग पकड़ा हो हाथ में तो हारने का तो तुक ही नहीं बनता। और अगर आपने अपनी कंट्री का फ्लैग पकड़ा हो और सामने जो आपका कंपेटिटर हो वो इंडिया हो, फिर तो आप तुसी उत्थे मर जाओ बट जितना पैना तुम। सो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट यू कैन डेफिनेटली नेल इट। इफ़ यू लुक एट दीज ट्रॉफीज and I want to say I have nothing against India, but whatever India has done in the competition, unhone Pakistan ka naam aage nahi aane diya, unhone puri koshish ki ke Pakistan ka ladka kuch na jeet paaye, because India ke paas paisa bada, India ke paas support badi hai, India ke national director, India bahut tagda, but phir bhi it's not a volleyball, lekin unke paas himmat nahi hai apna। हाँ, उनके पास पैसा बेशक बहुत ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन हमारे जैसा हौसला नहीं है उनके अंदर। हमारे जैसा हौसला नहीं है सर, 16 घंटे बत्ती जाती हुई ना। तो जड़ा हौसला पाकिस्तानियों से है ना, वो किसी से नहीं। वेल अच्छा, आपको किसी पंजाबी बड़ी कमाल की बोलेंगे यार, माशाल्लाह, मैंने क्यों पता चले? पंजाबी में बोलना बिकॉज मैं लाहौरी हूं। आई वॉज बोर्न ओवर हियर, आई लिव्ड ओवर हियर, मैं बेशक इंग्लैंड में भी मूव हो गया हूँ, बट मैं हूँ तो लाहौरी है ना। जो लाहौरी नहीं होता, जे पाकिस्तान तो ना होता, मैं पाकिस्तान तो कभी जितना भी ना। अच्छा, लोरियां की वैसे ऐनी हिम्मत होंगी है, किन किन ट्रॉफियां भर के आएंगे हो किसे? मैं कहना किसे शायर की ऐनी हिम्मत नहीं होगा। वेल, मेरे वास्ते सारे शायर इक्वल ने, बिकॉज जो कराची कह लो, इस्लामाबाद कह लो, जोड़ा भी कह लो, मेरे वास्ते इक्वल है। मेरे वास्ते पाकिस्तान ठीक है, तुसी सूबे डिवाइड कर लो कोई मसला नहीं, बट एंड ऑफ द डे तुसी जोड़ा फ्लैग कैरी करना ना वो पाकिस्तान का, ठीक है। तो मेरे सामने जो एम सीगा कि मैं जितना पाकिस्तान वास्ते, तो देख लो तेरे सामने रिजल्ट है। अच्छा, तो आप उन्हें ये बताएं जो दूसरे गर्ल्स या बॉयज जो भी आपको देख रहे हैं, जो इस फील्ड तरफ आना चाहते हैं, और वो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपने अपना एक टाइटल है वो भी चार चार टाइटल अपने नाम किए हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म होगा, क्या उनके का प्रोसीजर होगा कि उनको इस फील्ड की तरफ आने के लिए कैसे उनको पता चलेगा? ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, पहले तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल है, बट अब जब ये मैंने ये जीत लिया है, हमारे पाकिस्तानी यूथ के लिए दरवाज़ा खुल चुका है। अब आपने अगर इसमें एडमिशन लेना है, अगर आपने इसके अंदर क्वालिफाई करना है, ऑल यू नीड टू डू इज़ इम्प्रूव योर इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी इंग्लिश पर काम करना है, आपने उसके बाद अपनी बॉडी पर काम करना है, बॉडी बहुत मैटर करती है, उसके बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे कैरी करते हैं वो बहुत मैटर करता है, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, अगर ये चार चीज़ें आप में नहीं है तो कुछ भी करो तो नहीं जीत सकते, ठीक है। सो आई वुड इनकरेज ऑल माई यूथ, इफ़ यू ज्वाइन एनी कॉम्पिटिशन, मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। कभी भी आंखें बंद करके सोते उठ के जाए कॉम्पिटिशन नहीं करना, बिकॉज अदरवाइज आप अपनी कंट्री का जीतने के बजाय आप अपनी कंट्री का नाम ख़राब करके आओगे। जब तक मैं रेडी नहीं था, मैंने अपना कभी भी मैंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, और जब हिस्सा लिया है, जब मैं गया था हिस्सा लेने के लिए, मुझे पता था कि ये मैंने कर लेना। मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रांड्स हैं, कितने ब्रांड्स अभी तक आपको अपना जो है ब्रांड एम्बेसिडर के तौर पर आपको काम दे चुके हैं, और कितने में आप जो बाकी हैं जो ब्रांड्स हैं जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, आप हमेशा इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? सर, मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हुए हैं डिफरेंट ब्रांड से, अभी इस वक्त मैं इतना बिजी हूँ, मैं सिर्फ सीधा टाइटल जीत के सीधा पाकिस्तान आया हूँ। थाईलैंड से मैं सीधा मैंने फ़्लाइट लिया, क्योंकि मुझे बहुत सारे मीडियाज़ की कॉल आ रही थी कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू करना है। मेरी बहुत सारी वर्क कमिटमेंट्स हैं, बट मेरे लिए मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मैं सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आया। अब जो ब्रांड्स हैं वो, अब मैं जब बैठूंगा, मेरे पास टाइम मिलेगा, ज़रा सुकून लूँगा, फिर देखूँगा किसने मुझे कांटेक्ट किया और कौन मुझे क्या चाहता है और मुझसे, और क्या क्या मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे लिए पैसा सब कुछ नहीं है, अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, मैं 10 हाथ आगे जा के मदद करूँगा। कोई भी ब्रांड है, इफ दे एवर वांट टू रीच आउट टू मी, दे कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी थ्रू माय इंस्टाग्राम, ऑलवेज रीच आउट टू मी,
I will be your representative, your ambassador. I don't have any problem. तो अगर आप लोग इसे करना चाहते हैं, feel free to do that. अच्छा, तो ब्रांड की तो बात हो गई. कभी आपको किसी ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा से या फिल्म की ऑफर हुई है, या जैसे ही आपको होगी आपका क्या इस बारे में रिस्पॉन्स होगा? आप सरप्राइज्ड होंगे कि मुझे पाकिस्तान से अभी कुछ ऑफर नहीं हुआ, बट मुझे इंटरनेशनल मीडिया से ऑफर हो चुका है. मुझे BBC से ऑफर हो चुका है, मुझे रियलिटी शो ऑफर हुए हैं. मैंने इससे पहले चाइनीज़ मूवी में काम किया हुआ, मुझे ये ऑफर हो चुका है. बट सैडली हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है वो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, वही जो एक्टर हैं वो रिपीट हो ही जा रहे हैं, न्यू फेस आप नहीं देखेंगे. तो वहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं. अब आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, अब देखते हैं ना मुझे ये कब डालते हैं ड्रामे में. ठीक है, ये मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे पता है, और मुझे इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपना नाम बढ़ाने के लिए. तो अगर कोई ड्रामा में मुझे ऑफर करना चाहता है, कोई फैशन शोज में, मीडियाज़ में, आई एम मोर देन वेलकम. लाइक आई एम मोर देन देयर टू हेल्प यू गाइज आउट. अगर ये देखें, ये मैंने टाइटल पाकिस्तान के लिए जीते हैं, मैं बार थड़े तो नहीं जीते, मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से जीत गया हूँ. सो टू ऑल ऑफ यू गाइज, इफ यू एवर वॉन्ट टू गेट इन टच विद मी, फील फ्री टू. थैंक यू वेरी मच सैयद शाह, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा. तो जो व्यूअर्स, आपने जैसा कि देखा, सैयद शाह जो कि इंटरनेशनल लेवल पर 4 टाइटल्स इन्होंने जीते हैं, मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड 2022 और मिस्टर पाकिस्तान स्विम 2022, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है अपना मुल्क का, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर नाम रोशन किया. और अगर आप भी ऐसा कोई टैलेंट अपना शो करवाना चाहते हैं फौरी तौर पर, तो आप जो इनके जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर लाजमी जाएँ, इनके इंस्टाग्राम पर रब्ता करें, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर आपकी जो मेहनत है उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, DNH News HD. और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.